ये भर सकते हैं, ये उनका चिकन डिनर है कंफर्म। बट यहाँ पे लेट्स सी कि क्या कुछ और होगा। एकेओपी को M249 से शिकार बनाते हैं ओवेस। अब दो टीम बची है, इट्स अ 3v3 सिचुएशन फॉर टीम एनिमल फॉरएवर के मैक्स काश नॉक होते हुए एक पिक्सल दिख रहा है। जोनाथन वांट टू कंफर्म इट, बट वो कहते हैं ना मे बी, आप स्पेक्टेटर में दिखता है सामने वाला प्लेयर हिट नहीं करा पाता। उसी देर में जोनाथन सजीत को भी नॉक करते, मैक्स काश को कंप्लीट कर दिया। सडनली सब कुछ बदल गया है ओशन, ये अचानक से सब कुछ कैसे बदल रहा है? I mean, जोनाथन और टीम एनिग्मा फॉरएवर, पहले भी एक मेरा मार में ऐसी हरकतें हो चुकी है। वापस से जोनाथन टीम एनिग्मा फॉरएवर को नाइट में अस देते नजर आ रहे हैं। ओवेस और 420 सरवाइव कर रहे हैं और वहीं पर ओवेस भी शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट गेम फॉर टीम एनिग्मा फॉरएवर एज वेल, बट गॉड लाइक इफ दे विन दिस दे आर हिटिंग द #1 position फॉर देमसेल्व्स। नियो रुक करके बैठे हुए हैं इस पत्थर के पीछे देखने की उनकी पूरी दरकार रहेगी। उनको पता चल चुका है ओवेस का बैग मेरे ख्याल से उनको दिख चुका है, उनको पता है कि वहां पर प्लेयर है। थोड़े बहुत शॉट्स भी लिए जा रहे हैं, शैडो अपना एक एंगल होल्ड करके बैठे हैं। जोनाथन आगे की तरफ को उठ चुके हैं, सर्कल धकेलेगा टीम एनिग्मा फॉरएवर को, यह सर्कल आगे धकेलने वाला है। उनको मूव करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा अगर जीवित रहना इस पूरी सिचुएशन में, दिक्कतें उनके लिए बन सकती हैं। और ये सर्कल अब जाकर के एक नया रुख लेने वाला है। दोनों को थोड़ा थोड़ा मूव करना पड़ेगा इस सर्कल में आने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि गॉडल के पास मैन एडवांटेज, अगर वो मैन ट्रेड गेम पे गए देन वहां पर भी गॉडल पे एक एडवांटेज रहने वाली है। पर धीरे धीरे गॉडल के प्लेयर रोटेट करते हुए डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेंगे, बट 420 की नजरें पूरी ठीक है। नियो भी होल्ड कर रहे हैं, शैडो भी एक एंगल होल्ड कर रहे हैं। दे जस्ट वेटिंग कि टीम एनिग्मा फॉरएवर एक गलती करे और उस गलती से फायदा उठा सके। मोलोटॉफ काफी ज्यादा दूर, मुझे लगता नहीं इस मोलोटॉफ से कुछ खास फायदा हो पाएगा। स्मोक ग्रेनेड जो उन्होंने इस्तेमाल किया काफी सारे दिनों आगे की तरफ को, लेकिन वहीं पर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल गॉडलाइक की तरफ से होना शुरू हो चुका है। इस पूरे सिचुएशन में देखते हैं किस तरीके से ये खिलाड़ी खेल पाएंगे। इनफैक्ट अगले कुछ सेकंड्स में सर्कल जगह पर जोनाथन विद अ ग्रेनेड अगेन। ओह माय जोनाथन, दोस गोबीज फ्रॉम दिस लैड आर जस्ट फैंटास्टिकस। वीक 3 के अंदर भी महाशय ने कुछ ऐसा ही किया था, एनिग्मा के हैवी थे जिन्होंने कैच किया था, बट अभी के लिए उन्होंने टीम एनिग्मा के दो प्लेयरों को लास्ट मोमेंट में, that's not how you play the final circle. थोड़ी फाइट होनी चाहिए, थोड़ी स्मोक होनी चाहिए, थोड़ी बंदूकें चलनी चाहिए, बट एक नेट एक पत्थर के पीछे दो मासूम जो अपने छुपे हुए थे उनको बाहर निकालते हुए। Did Johnny just take all the 4 finishes of Team Enigma forever? If I'm not wrong, उन्होंने पहले दो प्लेयर्स डाउन किए थे, नियो ने एक को फिनिश किया था, जॉनी ने एक को फिनिश किया था, फिर इनका ग्रेनेड गया और लास्ट उसके अंदर दो प्लेयर्स डाउन हुए। सो ओह माय गॉड, नो डाउट मतलब आई डोंट नो हाउ गॉडल प्लेइंग, बट दे आर प्लेइंग कंसिस्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द हमारे डेस्क को जो जॉनी है उन्होंने